नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के सहयोग से आज हमारे YouTube चैनल को ATM के वीडियो बनाते हुए लगभग एक वर्ष का समय पूरा हो चुका है। चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया था जुलाई के महीने में और आज दिसंबर 2022 तक आते आते मेरे दो पेमेंट YouTube से आ चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह से मैंने YouTube की जर्नी को शुरू किया और आज इस परिस्थिति में पहुंचा हूं कि मैं कुछ रुपए YouTube से कमा सकूं, और उम्मीद करता हूं कि और आने वाले समय में और भी ज़्यादा पैसे मैं YouTube से कमा सकूं और आप सभी को भी ATM के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ATM से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मेरे वीडियोज़ में मिलती रहती है। दोस्तों, आज से एक वर्ष पहले मैंने ATM के वीडियो बनाना चालू किया। हालांकि वीडियोस तो मैं 2019 से यूट्यूब पे डाल रहा था, लेकिन वो कुछ मतलब उसमें कोई एक क्राइटेरिया नहीं था कि मुझे इसी पॉइंट पे वीडियोस बनाने हैं। मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना देता था तो कुछ वीडियोस चल नहीं रहे थे। तो मेरे किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप एक ऐसा पॉइंट पकड़ो, एक ऐसा टॉपिक पकड़ो जिसके ऊपर आपको चैनल बनाना है। और फिर मैंने चैनल का नाम तपन से ATM सॉल्यूशन किया और उसके बाद में धीरे धीरे चैनल्स पे व्यूज़ आना चालू हुए, धीरे धीरे चैनल ग्रो करना चालू हुआ। हालांकि इतना भी चैनल ग्रो नहीं हुआ है अभी तक, और भी आगे जाना है, लेकिन फ़िलहाल चैनल मोनेटाइज हो जाए और हर महीने पैसे आ जाए, इस तरह का हमारा चैनल का परफॉर्मेंस हो चुका है। दोस्तों, ATM से संबंधित कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, इसलिए मेरे लिए ATM में जा कर के वीडियो बनाना आसान हो जाता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जानकारी ATM के बारे में दे पाता हूँ। मेरा चैनल दोस्तों मोनेटाइज हुआ था जुलाई 2022 में, और चैनल मोनेटाइजेशन होने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन पिन आता है, वो भी मैं क्योंकि शहर में रहता हूँ तो उस पिन को भी आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और अगले ही दिन से मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था। मेरा अभी तक 6 महीने में 2 पेमेंट आ चुके हैं। जी दोस्तों, 2 पेमेंट आए हैं। पहला पेमेंट आने में 4 महीने का समय लगा और दूसरा पेमेंट आने में केवल 2 महीने का समय लगा, इसलिए आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे चैनल आगे बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आगे इस तरह से और ज़्यादा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम और ज़्यादा इस YouTube चैनल को आगे बढ़ा सकेंगे। दोस्तों, अब बात रही कितना पेमेंट आया, तो वो मैं आपको, क्योंकि मैं ATM के वीडियो बनाता हूँ तो आपको मैं लाइव ATM में ही दिखाऊँगा कि कितना पेमेंट आया है। तो चलते हैं अब सीधा दोस्तों ATM के ऊपर और देखते हैं कि मेरा कितना पेमेंट आया है। दोस्तों, ये है हमारा HDFC बैंक का ATM। दोस्तों, मेरे कार्ड को मैं ये HDFC के ATM के कार्ड रीडर में डाल देता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितना पेमेंट आया है। दोस्तों, आपने जो थंबनेल में देखा है, इतने सारे नोट्स तो नहीं है, लेकिन गुजारा चल जाए इतना पैसा आ रहा है फिलहाल YouTube से। मैं यहाँ पे भाषा का चयन कर लेता हूँ, हिंदी भाषा का। यहाँ पे नकद निकासी और ये बचत खाता। और दोस्तों, मेरा पहला पेमेंट आया था 2 महीने पहले इतना, और मेरा जो दूसरा पेमेंट आया है उसके केवल 2 महीने बाद, अभी दिसंबर के महीने में जो दूसरा पेमेंट आया है वो है इतना। तो चूंकि मेरा ये ICICI बैंक का कार्ड है और ये ATM HDFC बैंक का है, तो मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकता हूँ। तो ये आपको मैंने स्क्रीन पे बता दिया कि कितना पेमेंट आया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया कि कितना पेमेंट आया है। अगर YouTube पे आप दिल लगा के मेहनत करते रहेंगे, पेशेंस, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी भी धैर्य रखा हुआ है, क्योंकि मेरे से कुछ अच्छे वीडियोस नहीं होते हैं, उन वीडियोस को भी लाखों व्यूज़ मिल रहे हो, मेरे वीडियोस पे केवल 100-200 व्यूज़ पे अटक जा रहा है। लेकिन फिर भी निराश नहीं होना है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरे वीडियोस को भी लाखों व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि मेरी मेहनत पूरी है, मेरा इस विषय के प्रति लगाव पूरा है। तो आने वाले समय में ज़रूर और आगे मैं बढ़ूँगा। आप सभी का सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, इसी अपेक्षा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।